अल्मोड़ा जिले के मारचुला में आज हुए बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। यह बस पौड़ी जिले के नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी, लेकिन मारचुला के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि 42 सीटर इस बस में 60 से अधिक यात्रियों को बैठाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। घायल हुए थे 4 लोग, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे जिनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है, उन्हें तुरंत से तुरंत हायर सेंटर रेफर किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उनको हायर सेंटर रेफर किया गया, जो 4 हमारे गंभीर घायल थे, 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। बाकी मौके पे अभी SDRF की टीम, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार और वहाँ के रेवेन्यू का समस्त स्टाफ वहाँ पे मौके पे जुटे हुए हैं और अन्य खोजबीन कार्य चलाया जा रहा है। जैसे ही खोजबीन कार्य पूरा होगा तभी डेटा पूरा क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग घायल थे। जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना की सूचना पर SDRF की 3 टीमें रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस, NDRF, SDRF और स्थानीय लोगों ने मृतकों के शव खाई से निकाले। कुछ घायलों को सल्ट और रामनगर के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। सांसद अजय भट्ट दुर्घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इलाज में कोई कमी नहीं है, सब स्पेशलिस्ट वहां पर आगे हैं और सारे लोग जो घायल हैं उनको देख रहे हैं। और जो ज़्यादा ये राय आएगी डॉक्टर से कि इनको हायर सेंटर को भेजिए, तो उसमें मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, अगर यहाँ से भी हायर सेंटर भेजना होगा तो उसके लिए एयरलिफ्ट के लिए हेली सेवा वहाँ पर तत्काल प्रभाव से लागू है और स्टैंड बाय में हेली सेवा वहाँ पर रखी गई है।